बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह कि तीनों राज्यों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेघालय में टीएमसी का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टीएमसी मेघालय में अच्छा प्रदर्शन जरूर कर रही है। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस को झटका लगा है। त्रिपुरा में वो 13 तक ही जा रहे हैं रुझान में। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है। ये जो बड़ी तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी मौजूद हैं, लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं। हमारे साथ सुजाता मंडल भी मौजूद हैं। सुनीत जी, लेकिन देखिए ये जो तस्वीर दिख रही है, हम त्रिपुरा में देख रहे हैं कैसे लेफ्ट और कांग्रेस अभी रुझान में 13 सीटों पर दिखाई दे रही है, बीजेपी 36 प्लस पर पहुंच चुकी है। ये आपको फायदा नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से? सवाल फायदा नुकसान का नहीं होता। जहाँ पर इतना टाइम लगता है बक्सों को खोलने के लिए, तो कुछ भी कर दिया जा सकता है। मैंने तो कहा है, इनक्रेडिबल इंडिया हैज इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सुनीत जी देखिए, ये आप रुझानों को अगर देखेंगे सर, तो उसमें लेफ्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गढ़ हुआ करता था आपका, जहां वहां से आपका सफाया हो चुका है। इसको क्या आप स्वीकार नहीं करेंगे कि बड़ी चुनौती आपके सामने बीजेपी ने रखी है और मजबूती से मौजूद है? पर मैं बीजेपी का इतना कह दूं कि जो टीएमसी का रोल रहा है उससे पता चलता है कि बीजेपी को भी इतना मजा नहीं आ रहा, चाहे मेघालय में हो या कहाँ। तो रियलिटी ये है कि आप ये जो बक्सों में रखते हैं इतने महीने, उसकी जो असलियत है वो क्या है। मैं देखता हूँ कि मेघालय में 76.27% वोट था, और साथ में ही नागालैंड में 84.8% था। सर बक्से तो हिमाचल में भी थे, त्रिपुरा केरल में भी थे, वहां के बक्से आपको ठीक दिखते हैं, यहाँ के बक्से गड़बड़ दिखते हैं। खैर चलिए, अब मैं सीधे आगे चलूंगा। यहाँ पर इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा दूं जो आपके सामने स्क्रीन है। सुजाता जी हमारे साथ है। सुजाता जी, आप टीएमसी की अगर बात की जाए, त्रिपुरा में अंडरस्टैंडेबल है जो हालात है, ये समझ सकते हैं, लेकिन मेघालय में बहुत हाई इंपैक्ट अगर रिजल्ट कहा जाए तो शायद नहीं आया आपके लिए। मैं सिर्फ रुझानों की अगर बात करूं तो देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेघालय में और त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम हम लोग लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद ही लोगों का जो जनसमर्थन है, जो रिजल्ट हम लोगों को अभी तक मिला है, अभी तक तो पूरा वोट गिनती नहीं हुआ है, जब शुरू हुआ है, तो मैं अभी जो रोहन की नतीजा है उसमें बोल रही हूँ। ये तो क्या आपको लगता नहीं है कि इमेज जो आपकी पार्टी की बनी हुई है कि आप प्योरली बंगाल की पार्टी हैं, आप प्योरली बंगाल के लोगों को केटर करती हैं, ये इमेज थोड़ी डेट्रिमेंटल है आपके लिए? देखिए, हम तो बंगाल में सबसे बहुत वर्षों से, मतलब 18 साल से है, और लोग हमको ही चाहते हैं। इसका सबसे बड़ी प्रमाण आपका 21 विधानसभा में मिल गया, कि जहाँ पे बीजेपी कोई आधार नहीं छोड़ रहा थी टीएमसी को सत्ते से हटाने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बार 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 और बहुत सारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर तक आए थे, लेकिन ममता जी को टीएमसी को सत्ता से नहीं हटा सके। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मेघालय के इस बार पहली बार लड़ चुके हैं और 2-3 महीने ही वहाँ पे किए। मेघालय में सुजाता जी, मेघालय में जो तस्वीर दिख रही है उसमें हालांकि ऐसा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये तस्वीर आपके मुताबिक जो आप कह रही हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत बदल सकता है ये, तो क्या टीएमसी को लगता है कि उसका कोई रोल हो सकता है फिर यहाँ पर, किंग मेकर टाइप का रोल हो सकता है आपका? डेफिनेटली डेफिनेटली, और मुझे तो लग रहा है कि टीएमसी को जो बंगाल का पार्टी बोल रहा है, लेकिन वो अगर बंगाल का छोड़ दो देश का पार्टी बनते जा रहा है और बन भी गया है। नहीं तो लोग, इतना लोग ममता जी को प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए वोटिंग नहीं करते थे, और 2-3 महीना से हम लोग मेघालय में गए हैं, ममता जी सिर्फ एक बार 2 बार गए हैं, उसमें लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इतना अच्छा बहुमत हो रहा है। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी माफी चाहूंगा, पहले शायद थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए आपकी तरफ आ नहीं पाए, समथिंग सम इशू वर देयर, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सौरभ जी पहले तो क्या कहूं मैं, अभी के रुझानों पर आपको बधाई, लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि यह जो तस्वीर सामने आ रही है इसका श्रेय क्या आप ट्राइबल वोट को देते हैं, प्रधानमंत्री जी के जो दौरे हैं उनको देते हैं, या फिर आपका विकास का एजेंडा उसको देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो
प्रधानमंत्री जी ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी किया है, जो हमारे पूर्वोत्तर पार्ट को नज़रअंदाज किया जाता था, और ये प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से आज तक जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए उसने विशेष दृष्टि दिया है, आज ये उसका नतीजा है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये तीनों राज्य में ऐसे बहुत जगह था जहाँ घर में पीने का पानी आ सकता है, लोग सपने में भी नहीं सोच सकता था। घर में अपना पीने का पानी तो एक सपना होता था, अपना घर सपना होता था, और वहाँ पे कोई विरोधी जो है, विरोधी एक कोई विरोधी का बड़ा चेहरा वहाँ पे उभर के नहीं आए, क्योंकि इतने दिन वहाँ पे खाली लोगों का शोषण हुआ है। तो इसीलिए देखिए, ये रुझान जो है ये और बढ़ेगा, और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस का सीट आगे आगे बढ़ता चलेगा। मेरे ख्याल से अभी एक दो राउंड का ही गन्ना हुआ है, पोस्टल बैलेट हुआ है, उसके बाद कहीं एक राउंड कहीं दो राउंड का जो है ये नतीजे आए हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस तीनों जगह पे बहुत अच्छे करेंगे।